डॉक्टर रेखा काला ने एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के फिफ्थ पार्ट में आपका स्वागत है। हमने नाइट्रोजन के कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, नाइट्रोबेंजीन्स और अमीनो कंपाउंड्स और इनके बारे में। नेक्स्ट इसी क्रम में है हमारा पिक्रिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड है ये, ट्राई नाइट्रो फिनॉल जिसे हम कहते हैं। तो ये फिनॉल का ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव होता है। इसको हम किस तरह से बना सकते हैं? फिनॉल से हम इसको नाइट्रेशन द्वारा बना सकते हैं। नाइट्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के द्वारा इसकी क्रिया करवाई जाती है। तो ये ट्राई नाइट्रो फिनॉल जो है वो हमें मिलता है। इस विधि में पिक्रिक एसिड बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि फिनॉल की अधिकांश मात्रा जो है वो नाइट्रिक एसिड द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए एक दूसरी वैकल्पिक विधि भी जो है वो काम में ली जाती है। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फिनॉल है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा के इससे डाई सल्फो डेरिवेटिव्स बना लेते हैं। ये डाई सल्फो डेरिवेटिव जो है वो ठंडा HNO3, ठंडे जो HNO3 है हमारा, उसके साथ में रिएक्शन करता है और एक डाई सल्फो मोनोनाइट्रो फिनॉल का फॉर्मेशन करता है, एक इंटरमीडिएट बना लेता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर नाइट्रेटिंग एजेंट H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस के अंदर पिक्रिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो है तीन स्टेप्स के अंदर, पहले फिनॉल को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डाई सल्फोनेशन करते हैं, फिर उसी परिस्थिति के अंदर ठंडे HNO3 के साथ में नाइट्रेशन करते हैं, और फिर इसका टेम्परेचर हाई करके जो हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट है उसके द्वारा रिएक्शन करवाते हैं, जिससे कि SO3H ग्रुप जो है, सल्फोनिक ग्रुप जो है वो नाइट्रो ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है और हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह से इसे क्लोरोबेंजीन से हम इंडस्ट्रियल मेथड के रूप में बना सकते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर भी पिक्रिक एसिड जो है वो बहुत यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसे क्लोरोबेंजीन से हम सबसे पहले HNO3 और H2SO4 वही नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो डाई नाइट्रोफिन क्लोरोबेंजीन जो है इससे बनता है, जिसको कि हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस पे जो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल बनाता है। Cl ग्रुप जो है, ये हमारा Cl ग्रुप जो है वो OH ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है, और फिर ये नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव बना लेते हैं। इसके बाद में हम देखें हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पिक्रिक एसिड जो है वो पीले रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 123 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हम गर्म करते हैं तो ये विस्फोट कर देता है। ठंडे जल में यह आंशिक रूप से विलय होता है, जबकि गर्म जल और कार्बनिक वलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। पिक्रिक एसिड को जलीय एवं एल्कोहलिक विलयन, इसका जो है वो पीला होता है, परंतु डाइल्यूट HCl मिलाने से ये अदृश्य हो जाता है, ये कलर मतलब कलरलेस हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं, फिनॉल जो है वो एसिडिक करेक्टर को बताता है, क्योंकि पिक्रिक एसिड भी जो है वो फिनॉल का ही ट्राई नाइट्रो डेरिवेटिव है, इसलिए ये भी एसिडिक नेचर का होता है। इसीलिए इसे पिक्रिक एसिड एसिड्स की श्रेणी के अंदर भी रखा गया है। ये फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, इसी कारण इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इसमें जो हमारा OH समूह है उसके रिलेटिव 2, 4 और 6 जो पोजीशंस हैं उन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग NO2 समूह उपस्थित होता है, जो कि फिनॉलिक ग्रुप जो है उससे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण इसकी एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि पिक्रिक एसिड से
कि जो एसिडिक नेचर है वो जो हमारे खनिज अम्ल हैं उनके बराबर हो जाती है। इसी कारण पिक्रिक एसिड को अम्ल की श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया गया है। पिक्रिक एसिड कार्बोनेट्स का विघटन करके भी सॉल्ट बना लेते हैं। जो OH ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में निकल के सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके सोडियम डेरिवेटिव्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलती है। रिएक्शन विथ PCl5, पिक्रिक एसिड PCl5 से क्रिया करके पिक्रिक क्लोराइड बना लेता है, पिक्रिल क्लोराइड। ये पिक्रिल क्लोराइड जो है वो ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होती है प्लस POCl3 इससे बनता है। तो ये हमारा बन गया पिक्रिल क्लोराइड PCl5 के साथ में रिएक्शन करके। ये जो पिक्रिक क्लोराइड है इसमें क्लोरीन परमाणु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग NO2 समूह उपस्थित होता है। इसीलिए जब पिक्रिल क्लोराइड को जल के साथ में उबालते हैं तो ये पिक्रिक एसिड बनाता है, और जब इसे अमोनिया के साथ में गर्म करते हैं तो पिक्रेमाइड का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो हम देखें कि इसके अंदर जो है वो किस तरह से पिक्रिल क्लोराइड जो है वाटर के साथ में उबालने पर ये हमें पिक्रिक एसिड देता है, जबकि अमोनिया के साथ में इसे गर्म करते हैं तो पिक्रेमाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम देखें रिडक्शन, तो पिक्रिक एसिड का सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ में रिडक्शन करवाने पर पिक्रेमिक एसिड 2-amino-4,6-dinitrophenol प्राप्त हमें होता है। तो ये एक NO2 ग्रुप जो है वो अमोनिया के अंदर NH2 के अंदर रिड्यूस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो ये हो गया हमारा पिक्रेमिक एसिड। पिक्रेमिक एसिड होता है डाई नाइट्रो मोनोअमिनो फिनॉल, मतलब 2-amino-4,6-dinitrophenol, जबकि पिक्रेमाइड होता है ट्राई नाइट्रो अमीन। तो ये पिक्रिक एसिड के बहुत ही यूजफुल और सिंथेटिक यूज के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के। इसके बाद में हम देखें फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। एसिडिक एसिड पिक्रिक एसिड जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अमीन और फिनोल के साथ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स पिक्रेट कहलाते हैं। पिक्रेट क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के टेस्ट में भी काम में लिए जाते हैं, जैसे कि पिक्रिक एसिड जो है वो एंथ्रासीन के साथ में लाल रंग के पिक्रेट बनाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का जब हम टेस्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का तो इसी तरह से करते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो कंपाउंड लेके उसके अंदर पिक्रिक एसिड जो कि बेंजीन के सॉल्यूशन बेंजीन में बनाई जाती है उसको जब हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो हमें लाल रंग के पिक्रेट मिलते हैं, क्रिस्टलीय पिक्रेट होते हैं जो कि बताते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन एंथ्रासीन प्रेजेंट है। और यही रिएक्शन जब हम करवाते हैं और पीले रंग के हमें क्रिस्टल्स अगर प्राप्त होते हैं तो वो नेपथिलीन की प्रेजेंस को बताते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पिक्रिक एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला नाइट्रो समूह के कारण होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन रिच वल्ले की इंटरेक्शन के फलस्वरूप इसके अंदर बनते हैं। और ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही जो एक्सेप्टर है में नाइट्रो समूह की उपस्थिति की संख्या की वृद्धि के साथ में बढ़ती जाती है, और बेसिक करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अमाउंट्स का भी बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम देखें कि ये किस तरह से जो है वो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप जो कि हमारा
पिक्रिक एसिड है, उसके साथ में रिएक्शन करते हैं और इस तरह के आयन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस को बनाते हैं। इनके यूजेज अगर हम देखें तो पिक्रिक एसिड जो है वो विस्फोटक बनाने में काम में आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के टेस्ट में काम में आता है, रेशम और ऊन की रंगाई में काम में आता है, और ब्यूटासिन पिक्रेट जो कि बर्न केसेस के इलाज में काम आता है। ब्यूटासिन पिक्रेट होता है एन ब्यूटिल पैरा अमीनो बेंजीन। तो ये हमने देखा कि पिक्रिक एसिड जो है हम कैसे बना सकते हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस हैं और कैसे जो है वो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस को बनाते हैं, क्या यूजेज हैं इनके। नेक्स्ट है हेलोनाइट्राइरीन्स, वे ऑर्गेनिक वे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें कि हेलोजन वे नाइट्रो समूह बेंजीन वल्ले से जुड़े रहते हैं, हेलो नाइट्रोएरिन्स कहलाते हैं, और ये हेलोजन और नाइट्रो समूह युक्त बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं जो कि ऑर्थोमेटा और पैरा पोजिशंस पे नाइट्रो ग्रुप की स्थिति के कारण बनते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखें तो ऑर्थो और पैरा हेलो नाइट्रोएरिन्स बनाने के लिए जो है हम हेलो बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट से। नाइट्रेजिंग मिक्सचर जो है हमारा कंसनट्रेटेड NO3 और H2SO4 के साथ में, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रो हेलो एरिन्स प्राप्त होते हैं। मेटा हेलो नाइट्रो एरिन्स ये नाइट्रो बेंजीन का आयरन की उपस्थिति में हेलोजिनेशन कराने से मेटा हेलो नाइट्रो एरिन्स प्राप्त होते हैं। नाइट्रो बेंजीन का आयरन की प्रेजेंस के अंदर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो मेटा डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। ये हम देखें कि किस तरह से जो है ये नाइट्रोबेंजीन हमने लिया है, इसकी Cl2 के साथ में इसका हेलोजिनेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये जो है वो मेटा हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम देखें, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो हेलो नाइट्रो एरिन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही OH NH2 OR आदि ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के ग्रुप लग जाते हैं, और हेलो नाइट्रोएमीन में एरिन्स में हेलोजन परमाणु बेंजीन के SP2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहता है, इसीलिए हेलो बेंजीन के समान ही हेलो नाइट्रो एरिन्स में भी हेलोजन परमाणु की निष्क्रियता होना चाहिए और ये निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु यदि हेलोजन परमाणु की ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप जैसे कि NO2 अगर उपस्थित होते हैं तो हेलोजन परमाणु सक्रिय हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो हम देखें कि हेलो नाइट्रोएरिन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इनके अंदर हम देखें क्लोरोबेंजीन जो है वो NaOH के साथ में हाई टेम्परेचर पर फिनॉल के अंदर चेंज हो जाता है, ये क्लोरोबेंजीन हाई टेम्परेचर पे ये फिनॉल के अंदर चेंज हो गया। इसी तरह से ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ये भी 15% जलीय विलयन लें हम NaOH का तो उसके साथ में ये फिनॉल डेरिवेटिव्स बना लेते हैं, इसी तरह से मेटा और पैरा। तो ये हम देखते हैं कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह ही होती है। इसीलिए हम देखें कि जो ये रिएक्शंस हमने देखे हैं इनके अंदर नाइट्रो समूह की बेंजीन वल्ले पर संख्या बढ़ने के साथ साथ हेलोजन परमाणु की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सक्रियता भी बढ़ती चली जाती है। जैसे एक क्लोरोबेंजीन वाला जो था उसके अंदर एक नाइट्रो ग्रुप का समावेश हुआ, दूसरा अगर हम ऑर्थो और पैरा डाई नाइट्रो डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके अंदर जो है जैसे जैसे है नाइट्रो समूह की संख्या बढ़ती जाती है बेंजीन वाले पे, उसके साथ में लगा हुआ जो हेलोजन परमाणु है उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति सक्रियता भी बढ़ती जाती है। इसी कारण से पिक्रिल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु इतना सक्रिय हो जाता है कि पिक्रिल क्लोराइड को जल के साथ में उबालने पर क्लोरीन समूह जो है वो वापस OH से प्रतिस्थापित होकर पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शंस अगर हम देखें तो इनके अंदर केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह ही
इनके अंदर होती है। इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म हम देखें कि किस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करते हैं, तो ये है हमारा ऑर्थो कंपाउंड ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। OH माइनस जो है इस पे अटैक करेगा, अधिक स्थाई जो है ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से मेटा के अंदर भी हम देखें तो ये मेटा डेरिवेटिव हमने लिया है, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। पैरा के अंदर भी तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और बेंजीन वाले पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आने के कारण इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, अधिक स्टेबल हो जाते हैं और ये पैरा डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मैकेनिज्म की हमने देखी, तो नाभिक ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाइट्रो समूह जो है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है और जो इसका नेगेटिव चार्ज का फैलाव होता है, डिस्पर्सल होता है, इसी के कारण अभिक्रिया में बनने वाला जो कार्बन आयन है वो इंटरमीडिएट के रूप में स्टेबलाइज हो जाता है और इसी कारण से अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर ऑर्थो और पैरा हेलो नाइट्रोएरिन से बने हुए जो कार्बन आयन होते हैं वो इंटरमीडिएट मेटा हेलोएरिन्स के कार्बन आयन इंटरमीडिएट की अपेक्षा अधिक स्थायी हो जाते हैं। इसीलिए हेलो नाइट्रोएरिन्स के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि यदि हेलोजन परमाणु के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नाइट्रो समूह उपस्थित होता है तो हेलोजन परमाणु जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए सक्रिय हो जाता है और बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ अगर नाइट्रो समूह की संख्या बढ़ने पर भी हेलोजन परमाणु की सक्रियता बढ़ जाती है। तो ये दो निष्कर्ष जो है वो हम निकालते हैं कि यदि किसी भी हेलो नाइट्रोएरिन के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर किसी भी हेलोजन परमाणु ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो नाइट्रो समूह अगर उपस्थित होता है तो हेलोजन परमाणु की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। इसी तरह से जैसे जैसे नाइट्रो समूह जो है वो बढ़ते जाते हैं बेंजीन रिंग पर हेलोजन परमाणु की रिएक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अमीन्स। अमीन्स हम देखें कि कार्बनिक बेस होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं और संरचनात्मक रूप से ये अमोनिया के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स भी होते हैं जो कि अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके हम प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं अमोनियम अमीन्स जो हैं वो NH3, इसके तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो एल्किल या एरिल ग्रुप से हम प्रतिस्थापित करके ट्राई एल्किल और एरिल डेरिवेटिव्स बना लेते हैं। संरचनात्मक रूप से अमीन अमोनिया से उसी प्रकार से संबंधित होते हैं जिस प्रकार से कि अल्कोहल तथा ईथर जल से संबंधित होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होते हैं ये हम देखें कि ये अल्कोहल ईथर और अमोनिया की तरह ही बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो एमिनो को जो है वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल और एरिल समूह की संख्या के आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे प्राइमरी एमीन्स, इनमें केवल एक एल्किल या एरिल समूह उपस्थित होता है जो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, जैसे कि CH3NH2, C2H5NH2, C6H5NH2। तो ये फर्स्ट क्लास हो गई इनकी। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं जनरल इनकी करैक्टरिस्टिक रिएक्शंस के आधार पर कि किस तरह से जो है ये होते हैं। तो एमिन्स का क्लासिफिकेशन प्राइमरी एमिन्स, सेकेंडरी और टर्शियरी एमिन्स होते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि एमिन्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, केमिकल रिएक्शंस, इन सब के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।